यस प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। हालांकि मैंने आपको पढ़वा दिया क्वेश्चन, आपने रीड भी कर लिया, फिर भी बताता हूं। केवल अगर आपके पास ये डायग्राम होता तो दो क्वेश्चन और दोनों ही इंपॉर्टेंट सेम डायग्राम से बनते हैं। कॉमन क्या है, किसको सरका दिया गया और कितने एंगल पर ये इसको छोड़ देगा, ले आउट कर देगा, इसका इससे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। ये कॉमन है दोनों क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में क्या है कि ये इस हेमिस्फीयर फिक्स्ड है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इट इज आल्सो मूवेबल। अगर ये फिक्स है फिर तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, और मैंने अपनी पिछले वीडियो में से किसी एक वीडियो में बता भी रखा है क्वेश्चन। आज इस लाइव क्लास सॉरी इस वीडियो में लेक्चर में ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, तो कितने डिग्री एंगल पर ये इसका कांटेक्ट छोड़ देगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में काफी कुछ सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये भी मूवेबल है। अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेता हूं, तो कुछ बातें डायग्राम में लिखी नहीं होती, क्वेश्चन पढ़ने के लिए होती है। ये तो जुगत डायग्राम मैंने बनाया था, जैसा जैसा बुक में दिया हुआ। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हेमिस्फेरिकल मूवेबल बॉडी ऑफ मास एम, इसका मास भी एम, इसका क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है पूरा, कुछ चीज वो डायग्राम में नहीं लिखता। मास एम, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, नाउ द ब्लॉक इज जेंटली डिस्टर्ब्ड, एंगल एल्फा विद द वर्टिकल एट विच द ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट विद द हेमिस्फीयर इज। बस बाकी सिंपल ही आज मैक्सिमम बुक खोल लिखिएगा, देखिए क्या क्या उसको सुनने होगा, कैसे कैसे लेके चलना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा क्वेश्चन, पर जल्दी नहीं होगा, इसे बहुत कुछ लगेगा उसमें। ठीक है, तो देखिए जब ये ब्लॉक यहां पहुंच चुकेगा, ठीक है, वो डायग्राम एम है, अलग से क्या आप लोग बनाते मास एम, ये वो पोजिशन निकालने की कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो पहले नॉर्मल लेके चले, जब यहां पहुंच गया तो इसकी स्पीड वी, और समझ आएगी रेफरेंस कौन सा है, ये वी इसके रिस्पेक्ट में है, जो भार खड़ा हुआ उसके रिस्पेक्ट में नहीं, ये एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, ये इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं इसको वी आर दे देता हूं रिलेटिव, और ये इधर जा रहा है, इसकी स्पीड इस वक्त वी कह दीजिए या वी ओ कह दीजिए। तो ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है इसको तो इसी स्पीड से इधर जाते हुए देख रहा है, पर इसको ऐसे उतरते हो एज वेल एज ऐसे जाते हो, दोनों बातें ये और ये ऑब्जर्व कर रहा है। एक मिनट, हाँ कॉल आ गई, यस, तो क्वेश्चन ध्यान दें, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं ब्लॉक एम की, तो वी आर देखिए, ये अगर वर्टिकल रेफरेंस दू मैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है, वी आर कॉस 99 अल्फा, यानी कि साइन नीचे की तरफ है, इस मोमेंट में वी आर साइन अल्फा जा रहा, और जाहिर है इधर वी आर कॉस अल्फा जा रहा। यहां बैठा हुआ आदमी
ये चौ उजड़ करेगा, पर ये क्या उजड़ करेगा, नीचे उतरता उजड़ कर रहा है पूरा, पर जितना ही इधर जा रहा है पर साथ साथ इधर भी जा रहा है इसके साथ साथ, तो ये इसकी एक्चुअल स्पीड नहीं होगी, इसमें से इतनी माइनस करनी पड़ेगी। अब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटीज इसकी है, क्योंकि पूरे सिस्टम में फोर्स सिर्फ ग्रेविटी का लग रहा है जो कि डाउनवर्ड है, इसलिए डाउनवर्ड मोमेंटम तो चेंज होगा, इंक्रीज होगा, पर हॉरिजॉन्टल मोमेंट अगर जीरो था पहले तो अब भी जीरो होगा, या जितना मोमेंट इस हेमिस्फीयर का ट्वार्ड्स लेफ्ट होगा उतना ही मोमेंट मोमेंटम इसका ट्वार्ड्स राइट होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की बात करें, इसका लेफ्ट की तरफ एम वी नॉट और उसका राइट की तरफ एम, क्या स्पीड है इसके रेफरेंस में, ये वी आर कॉस अल्फा माइनस वी नॉट, एम कैंसिल, ये बच्चे ये वी नॉट इधर प्लस का बन जाएगा, 2V0 is equal to VR cos, ये कहीं ना कहीं जबरदस्त काम है। ओके, अब करते हैं हम काम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये रेस्ट में था तो टोटल एनर्जी जीरो मानी, उसके बाद जब ये ब्लॉक फिजिकली नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई, और ये पोटेंशियल एनर्जी में कमी काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो, और ये काइनेटिक एनर्जी दोनों में है, मजे की बात, हेमिस्फीयर में भी और ब्लॉक में भी। तो सोच समझ के चलेंगे, तो कितना देखिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी कितनी हाइट नीचे आ गया, देखिए आराम से देखिए पूरी रेडियस की जरूरत, आर मान लीजिए कि रेडियस इसकी आर है, तो आर पर ये भी आर, पर आर का कॉस कंपोनेंट आर माइनस आर कॉस अल्फा, तो बच्चे इतने हेड नीचे आ गए, एच हो जाएगा आर माइनस आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, आर माइनस आर कॉस, इतने हेड नीचे आ गए, ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी में कमी, इज इक्वल हाफ एम, पहले इसी बात करो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम, अब इसकी एक्चुअल स्पीड ये दोनों, ठीक है, तो इसकी रिजल्टेंट भी क्या जाती है, उसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो उसके स्क्वायर जो इसका रिजल्टेंट स्पीड होती है वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर आता ना, तो वी स्क्वायर से क्यों हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रिजल्टेंट हो जाएगा ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह वी आर कॉस अल्फा माइनस वी नॉट इसका स्क्वायर प्लस वी आर साइन अल्फा इसका स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी बढ़ी हुई और टोटल पोटेंशियल एनर्जी घटी हुई। ओके, अब उसको आगे बढ़ाया नाम से, एम जी आर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा वन माइनस कॉस अल्फा, अब आप वन माइनस कॉस अल्फा को सिर्फ सी ली और साइन अल्फा को सिर्फ एस लिख देगा, अगर आएगा आर का वन माइनस सी इक्वल टू हाफ एम कॉमन ले लें, हाफ एम कॉमन
यहां से होता है वी नॉट स्क्वायर प्लस 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 ये बचा सर तो होल स्क्वायर। देखो तो शॉर्टकट में करना वी आर कॉस अल्फा माइनस वी नॉट, वी आर कॉस माइनस वी नॉट की वैल्यू वी नॉट का स्क्वायर। थोड़ा चालाकी से काम करना तो जल्दी हो जाए। वी आर कॉस अल्फा माइनस वी नॉट की वैल्यू वी नॉट के इक्वल तो वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर साइन एस इसका स्क्वायर। हमें क्यों कर रहे हैं हम ये सब, क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि हम वी आर निकाल सकते हैं ताकि सेंटीपेटल फोर्स की हेल्प लेके नॉर्मल कॉन्टैक्ट को जीरो रख के रिजल्ट निकाल सकते हैं। एम सेम कैंसिल टू एल टू जी आर वन माइनस कॉस सी मतलब सी इधर आइए इधर वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर एस स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर हम निकाल चुके थे वी आर कॉस टू जी आर वन माइनस सी इज इक्वल टू टू वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर टू अपॉन में आके फिर उसका स्क्वायर वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन फोर वी आर सी अपॉन टू हो जाएगा ना स्क्वायर हो जाएगा वी आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन फोर यस प्लस वी आर स्क्वायर एस स्क्वायर टू टू जा फोर टू जी आर वन माइनस सी इज इक्वल टू एस एन टू और वी आर स्क्वायर कॉमन वी आर स्क्वायर कॉमन यानी वी स्क्वायर पॉइंट टू कॉमन ले जाए वी आर स्क्वायर पॉइंट टू यहां से बचा सी स्क्वायर और प्लस टू एस स्क्वायर एस मिला टू 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 जा फोर जी आर वन माइनस सी इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाएगा और एक बचा हुआ साइन स्क्वायर यहां पर इस तरह से वी आर स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त होगी फोर जी आर वन माइनस सी अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर एस स्क्वायर को भी लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर ठीक है 4 जी आर वन माइनस सी अपॉन टू माइनस सी स्क्वायर। लो जी अब अंतिम भाग पर जाइए ना जब यहां पे है इसके रिस्पेक्ट में स्पीड यही है ना इसकी तो इसका जो वजन इसके ऊपर पड़ रहा है एम जी कॉस अल्फा एम जी कॉस अल्फा और माइनस नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर वी कौन सा वी आर और वो चाह रहा है कि एन की वैल्यू जीरो हो जाए एन जीरो होती है इसे कॉन्टेक्ट छोड़ देगा इस पर्पज से अल्फा निकालना बस अंतिम भाग है अब बता पहले एन लिख देना बाद में ना टू लीव द कॉन्टैक्ट एन इक्वल टू जीरो ऐसे लिखना तो जीरो हो जाएगा तो हो गया जी आपके पास एम जी कॉस अल्फा जीरो हो गया इज इक्वल टू एम अपॉन आर और वी आर स्क्वायर आप निकाल सकते हो फोर जी आर वन माइनस सी अपॉन टू माइनस सी यह जी आर से आर कैंसिल एम जी से एम जी कैंसिल ठीक है और तो कुछ है नहीं ऐसा तो यहां बचा कॉस अल्फा और इसकी इंटू इसमें कर तो टू कॉस कॉस अल्फा सी लिख दो
टू सी माइनस सी स्क्वायर इंटू सी सी क्यूब, टू सी माइनस सी क्यूब इधर का बचा फोर की इंटू दोनों फोर माइनस फोर सी, बस कौन सा निकल जाएगा सीमी कैसे में नहीं आया सी क्यूब यानी कॉस अल्फा का क्यूब उधर पहुंचा दिया और माइनस फोर सी और माइनस टू सी माइनस सिक्स सी योग्या योग्या प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करना क्यूबिक इक्वेशन, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो मैं डायग्राम लाता हूं, डायग्राम के आस्था तो है नहीं, ओके बाकी आप रिप्लाई करके देख सकते हो रिकॉर्डेड वीडियो, और मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बस जो सी निकालना अब तो केवल सी निकालना है। तो रिमाइंडर थ्योरम में सी इक्वल टू वन रख के पांच और छह दो रख के दो चार आठ चार बारह, यस सी इक्वल टू टू सेटिस्फाई कर रहा है, दो दिन चार दिन आठ चार बारह और छह दिन बारह यानी सी माइनस टू इसका फैक्टर है। सी माइनस टू सी माइनस टू सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सी क्यूब बनाने के लिए सी स्क्वायर, तो सी क्यूब आ गया, सी स्क्वायर टर्म नहीं है, तो माइनस टू सी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस फोर सी और माइनस टू सी माइनस सिक्स आ जाएगा और लास्ट में फोर, दैट्स ऑल। सी माइनस टू और सी स्क्वायर प्लस टू सी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो कॉस अल्फा तो माइनस वन प्लस वन के बीच में होता है, इसके टू तो हो नहीं सकते, तो सी स्क्वायर प्लस टू सी माइनस टू इक्वल टू जीरो सिंस सी यानी कि कॉस अल्फा टू के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, और यहां फैक्टर होंगे नहीं इसके, तो सी सीधा निकल सी इज इक्वल माइनस बी दिखाई दे रहा है आउट हो गया, चलो दिखाई दे रहा सही है। सी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन इंटू सी माइनस टू माइनस टू प्लस अपॉन टू है यानी कि सी फॉर कॉस माइनस टू प्लस माइनस चार दुनिया आठ चार बारह, चार दुनिया आठ आठ चार बारह यानी कि चार त्या बारह यानी कि दो अंडर रूट थी अपॉन टू का डिवाइड माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। अब अगर ये माइनस हुआ तो माइनस वन और माइनस अंडर रूट थ्री फिर माइनस वन से भी कम हो जाएगा, माइनस वन पॉइंट सेवन और माइनस वन माइनस टू पॉइंट सेवन हो नहीं सकती इसकी वैल्यू, सो टेक ओनली पॉजिटिव कॉस अल्फा इज अंडर रूट थ्री माइनस, ठीक है। तो अल्फा इज कॉस है, बस ये ऑप्शन देखो अगर है तो ठीक है, तो क्योंकि रेजोनेंस में नेगेटिव रहता है ना, अंडर रूट थ्री माइनस वन देखो अंडर रूट थ्री माइनस वन से साइन इनवर्स दे रखा तो गलत हो जाएगा, बाकी तीन कॉस इनवर्स के हैं तो रेजोनेंस करना पड़ेगा, अंडर रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो यह आ जाएगा थ्री माइनस वन, अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस वन, तो अल्फा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स थ्री माइनस वन टू अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस वन, थर्ड ऑप्शन इसका सही है आंसर। बाकी यहां भी आ सकता था अंडर थ्री माइनस वन पे ऑप्शन देने वाली बात है वो रेजोनेंस मान, तो ये इसका सही आंसर है। और अगर ये हेमिस्फीयर अब तो डायग्राम बना दिया मैंने, ये हेमिस्फीयर मूवेबल ना होता तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत छोटा था,
मैंने पिछली वीडियो में करवा रखा है, तो मूवेबल का थोड़ा सा है, आप एक बार उसको अच्छी देर देख लेना, फिर अपने आप पढ़ना दोबारा, ठीक है, ओके।